बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग ग्रेड 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आई एम योर मैथ्स टीचर अमरीन कुरैशी। टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूनिट 4, पार्शियल फ्रैक्शन। हियर इज द डेफिनेशन। जैसा कि फ्रैक्शन है तो स्प्लिटिंग अप अ सिंगल फ्रैक्शन इंटू टू आर मोर रेशनल फ्रैक्शन विद सिंगल फैक्टर इन डिनोमिनेटर, सच अ प्रोसीजर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। यानी अगर आपको एक सिंगल फ्रैक्शन दिया हो और उसको आपने रिजॉल्व करना है टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस में, दिस प्रोसीजर, वो पूरा प्रोसीजर पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। एक्सरसाइज है आपके पास 4.1, पेज 78, रिजॉल्व इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम केस वन सबसे पहले, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हैज फोर केसेस। Here the case one is when denominator consists of non-repeated linear factor. यहाँ पे भी देखें denominator, यानी partial fraction में denominator को ही आपने consider करना है। अब जैसे कि question number one है, we are given a single fraction 3x-2 dividing by 2x² - x. अब ये single fraction है, question है resolve into partial fraction। यहाँ पे इसको फैक्टराइज होना बहुत ज़रूरी है और ये फैक्टराइज नहीं है, तो सबसे पहले आपने यहाँ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। हियर बाय टेकिंग एक्स कॉमन वी गेट टू फैक्टर्स, एक्स इंटू 2x-1। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, सो लेट एक्स 2x-1 इज इक्वल्स टू, यहाँ अब आपके पास टू फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है यहाँ टू पार्शियल फ्रैक्शन इसके पॉसिबल हैं। फर्स्ट का डिनोमिनेटर है x और सेकेंड क्या है 2x-1। रह गया न्यूमिरेटर, जैसा कि हमने कहा कि पार्शियल फ्रैक्शन में बस डिनोमिनेटर ही लेना है। न्यूमिरेटर के लिए यहाँ आ जाएगा a और यहाँ भी, अगर एक कोई लेटर और फ्रैक्शन होता तो फिर c लेटर का भी यूज करते। अब मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर यानी x 2x-1 ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन बना लेना है, यानी जितने पार्शियल बनते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लाइंग दिस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास है 3x-2, न्यूमिनेटर तो जरूर लिखें और उसके बाद जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो देखें x और 2x-1 कैंसिल इज इक्वल टू, राइट हैंड पे न्यूमिनेटर इज a। अब आप इस फ्रैक्शन को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x कैंसिल रह जाएगा 2x-1 प्लस द न्यूमिरेटर इज b और बाय मल्टीप्लाइंग दिस 2x इंटू 2x-1 वी हैव ओनली x, क्योंकि 2x-1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस हैं, यानी जो पार्शियल फ्रैक्शंस आप रिजॉल्व करने जा रहे हो, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज a बाय x, यानी यहाँ डिनोमिनेटर x है। फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 0। ये x के साथ जो कांस्टेंट होता है उससे हमें x की वैल्यू मिलती है। यहाँ कुछ भी नहीं तो मीन्स कि x की वैल्यू क्या है 0। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 तो 3, x की प्लेस पे हम लिखेंगे 0-2 इज इक्वल्स टू a 2 × 0-1 प्लस b और ये हो जाएगा 0। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ अब आपने 0 लिखा था। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1 एंड b इंटू 0 इधर 0, क्योंकि 2 × 0 तो आपके पास 0 हो जाएगा। सो वी हैव -2 इज इक्वल्स टू -a, दिस इंप्लाइज कि a इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज माइनस और माइनस यहाँ से कैंसल हो जाएंगे। इसको इनबॉक्स जरूर करें वैल्यू ऑफ a को। नाउ पुट x इज इक्वल, अब सेकेंड जो आपके पास फ्रैक्शन है b बाय 2x-1, द डिनोमिनेटर इज 2x-1, फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x 1/2। कैसे 1/2, ये देखिए -1 है, ये जब इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इट बिकम्स, ये राइट हैंड पे हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, और इसको भी इक्वेशन 2 में ही पुट करना है, जो कि हमारे पास 3, इसके बाद x की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/2 और -2 इज इक्वल्स टू a 2। इसी तरह ये है इक्वेशन 2 जहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की प्लेस पे लिखेंगे 1/2-1 प्लस b और यहाँ आ जाएगा 1/2। 3 × 1 = 3, 3/2, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 2 और 2 कैंसिल, देखिए 1-1 ये भी कैंसिल, तो आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ 0 रह जाएगा
और प्लस b इंटू वन बाई टू वी गेट वन बाय टू बी बाय टेकिंग एलसीएम. हेयर द एलसीएम इज टू, ये हो जाएगा थ्री और टू टू ज फोर, यहाँ आ जाएगा वन बाय टू बी. ऐसा क्यों? क्योंकि a इंटू जीरो तो आपके पास जीरो हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज फोर माइनस थ्री माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू बी. नाउ बाय मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड वी इजीली गेट द वैल्यू ऑफ b विच इज माइनस वन. यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, क्योंकि जब आप दोनों साइड्स पे ऐसे टू मल्टीप्लाई करते हैं ये देखें टू और टू कैंसिल हो जाते हैं. अब जब दोनों लेटर्स है और b की वैल्यू आ गई, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन वन. फाइनल स्टेप ये होता है कि आप जितने लेटर्स हैं उनकी वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर दें, तो आपके पास ये इस वक्त है लेफ्ट साइड पे 3x माइनस टू एंड 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू a. द वैल्यू ऑफ a जो है हमारे पास 2 है, सो a की प्लेस पे हम लिख लेंगे 2. डिनोमिनेटर में है x, फिर ये प्लस साइन है. वैल्यू ऑफ b है माइनस वन और डिनोमिनेटर में है 2x माइनस वन. ये हो जाएगा 3x, हेंस लिख लें यहाँ पे क्योंकि बस ये लास्ट स्टेप है, हेंस 3x माइनस टू x 2x माइनस वन इज इक्वल टू 2x 2 बाई x माइनस वन बाय 2x माइनस वन इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चन मीन्स द क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5 plus example 1 and 2 must be practiced by you. Thanks. Stay safe. Stay home.